तहरीक पाकिस्तान का मकसद जिथे हिंदुस्तानी मुसलमाना दे इस्लामी तशखस की हिफाजत करना है उत्थे बरे सगीर के मुसलमाना नू हिंदुआ की इकतसादी बरतरी तो निजात दिवाना भी सी। कयामे पाकिस्तान तो पहला कांग्रेस के नाल रल के आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लैके कायद आजम हिंदू जहनीयत वेखण ते परखण का नेड़ो मौका मिलिया ते उन्हां नू इस नतीजे ते अपनण विच जरा भी देर ना लगी कि हिंदू ते मुसलमान दो अलहदा कौमां ने ते उन्हां दे मुतहदा हिंदुस्तान विच कठियां रहण नाल बरे सगीर मुसलसल मजहबी ते इकतसादी झगड़ियां दी आमाजगा बनिया रहेगा। कयामे पाकिस्तान दे बाद भारत ने पाकिस्तान नू दिलों कबूल ना करदिया होया उहदे सारे माली ते फौजी वसाइल ते कब्जा कर लिया ते तकसीम दे फार्मूले दे तहत पाकिस्तान नू जड़ा फौजी सामान ते सरमाया मिलना चाहिदा सी रोक लिया। एहो वजह सी कि भारत दे मरकजी वजीरे दाखला सरदार वल भाई पटेल ने पाकिस्तान नू रेत दा पहाड़ करार दिता ते आख्या कि कुछ महीनों विच ए रेत दा पहाड़ फिजा विच खिलर जाएगा। जिथे ताईं इकतसादियात दा तालुक सी ए हकीकत सी कि पाकिस्तान दे कोल अपनियां रोज़ दियां जरूरतां दे अखराजात चलान लई वी सरमाया नहीं सी। इस नाजुक सूरत हाल विच रियासत हैदराबाद दक्कन ने पाकिस्तान की मदद की थी। ते इस दी माली इमदाद ने हुकूमत पाकिस्तान नू सहारा दिता। कयामे पाकिस्तान दे बाद पाकिस्तान दे करंसी नोट भारतीय हुकूमत दे जारी करदा नोट सन जिहड़े तकरीबन एक साल ताईं गर्दिश विच रहे। इस सूरत हाल किसे हाल विच कायदे आजम नू मंजूर नहीं सी। शुरू विच भारत दे करंसी नोटां ते हुकूमत पाकिस्तान दे अल्फाज तहरीर किए गए क्योंकि उस वेले ताईं पाकिस्तान दा कोई अपना मरकजी बैंक नहीं सी। मरकजी बैंक दी अहमियत दा कायदे आजम शदीद एहसास सी ते ओ चाहते सन कि छेती तो छेती पाकिस्तान इकतसादी मामलात विच खुद इनसारी हासिल करे। चुनाचे कायदे आजम मुहम्मद अली जिनाह ने 1 जुलाई 1948 नू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दा इफ्तिताह कराची दी उस इमारत विच कीता जिथे अजकल सुप्रीम कोर्ट दा रजिस्ट्री ऑफिस है। कायदे आजम मुहम्मद अली जिनाह ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दा पहला गवर्नर जाहिद हुसैन नू मुकर्रर कीता। कायदे आजम ने उस मौके ते खिताब करदिया होया आख्या कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दा इफ्तिताह माली मैदान विच साडे मुल्क दी खुद मुख्तारी ते आज़ादी दा मजहर है ते मैनू इस दा इफ्तिताह करदिया होया अज इंतहाई खुशी ते मुसरत महसूस हो रही है। शुरू विच स्टेट बैंक दा कायम नाकाबले अमल तजवीज समझी जांदी सी इस लई माहरां ते दूजियां तैयारियां दी शदीद जरूरत सी। इस मजबूरी दे तहत कायम पाकिस्तान तो बाद यह फैसला किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत पाकिस्तान विच बैंकिंग का निज़ाम जारी रहे। पर जिमें ही साडे कोल बैंकिंग के शोबे विच मुनासिब बंदे दस्तियाब होए ते उन्हां दिन रात दियां काविशां दे बाद इस ख्वाब नू शर्मिंदा ताबीर किया। मैं उन्हां नू मुबारकबाद पेश करना। जिस तरह कि सानू पता है कि बरसगीर विच मुसलमानां दे बैंकिंग के दरवाजे तकरीबन बंद सन ते जिहड़े मगरबी पाकिस्तान विच गैर मुल्की बैंकर सन वह भारत चले गए जिदे नाल साड़ी नौजायदा मुमलकत की इकतसादियात ते बुरे असरात मुरतब होए। इस सूरत हाल नाल निबड़न ते मुल्क के इकतसादी पहीए नू चलाण लई गैर मुस्लिम बैंकरां दे पाकिस्तान विचों चले जाण नाल जिहड़ा खला पैदा होया उस नू छेती तो छेती पुर करना बड़ा जरूरी सी। मैनू खुशी है कि पाकिस्तानियों नू बैंकिंग के शोबे विच बड़ी तादाद विच ट्रेनिंग देण दा प्रोग्राम जारी है। मैं इन्हां दी कारकर्दगी ते निगाह रखांगा। मैनू उम्मीद है कि इस सिलसिले विच पाकिस्तानी बैंक ते यूनिवर्सिटियां मुकम्मल तावन करनगियां। But I can say with confidence that with courage and self-reliance and by the grace of God, we shall emerge triumphant. भारत के गैर महसूस इकतसादी तसलुत तो निजात हासिल करना पाकिस्तान की कयादत ते अवाम की दिली ख्वाहिश थी। चुनाचे पाकिस्तान नू मुस्तहकम करन ले पाकिस्तान दी करंसी नू मुस्तहकम कीता गया जिदे विच पाकिस्तान दे पहले वजीर खजाना गुलाम मुहम्मद
चौधरी गुलाम अली, चौधरी मोहम्मद अली, सैयद अमजद अली, मोहम्मद शुएब ते अब्दुल कादर ने अहम किरदार अदा किया। सन 1966 ताई पाकिस्तानी रुपए की आलमी मंडी विच बड़ी अहमियत ते कदर सी। इस तो बाद सुकूत ढाका ते मुल्क विच पैदा होण वाली सियासी अफरा तफरी के नतीजे विच पाकिस्तानी करंसी की वैल्यू दिनों दिन डिगदी गई, इथों ताई कि अज असी IMF दे शिकंजे विच जकड़े होए हां। पाकिस्तान नू माली शोबे विच जिन्ना काबिल तरीन बंदियां दियां खिदमतां हासिल रहीआं उन्हां विच स्टेट बैंक दे पहले गवर्नर जाहिद हुसैन, अब्दुल कादिर, शुजात अली हसनी, महबूबुल रशीद, गुलाम इसहाक खान, उस्मान अली ते GN काजी शामिल ने। इस तो बाद साढ़े मुल्क विच स्टेट बैंक विच बहुता कितिया गैर मुल्की बैंकों विच काम करने वालियां नू गवर्नर मुकरर किया जाता रहा, जेड़े मुल्की इकतसादियात नू सहारा देन दी कोशिश विच नाकाम रहे। कयामे पाकिस्तान दे वेले मुल्क विच एक आने, अधे आने, दो आने, एक पैसे, पाओ रुपए, अधे रुपए ते एक रुपए दे सिक्के गर्दिश विच सन। जदों 1 जनवरी सन 1961 विच मुल्क विच आशारी निज़ाम मुतारिफ कराया गया ते इस दे तहत एक पैसा, पांच पैसे, दस पैसे, पंजी पैसे ते पंजाह पैसे दे सिक्के भी मुतारिफ कराए गए। सन 1977 विच 2 रुपए ते 1 रुपए दे मुख्तलिफ सिक्के मंजरे आम ते आए ते 2002 विच जदों 5 रुपए दा नोट अवाम विच मकबूलियत हासिल ना कर सकिया ते उहदी थाएं भी 5 रुपए दा सिक्का जारी कर दिता गया। इहो ही कहानी नोटां दी है। सब तो पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे नोट पाकिस्तान विच गर्दिश करदे रहे। ए नोट 1, 2, 5, 10 ते 100 रुपए की मालियत दे सन। 1953 विच पाकिस्तान ने अपने करंसी नोट जारी किए जड़े 1, 5, 10 ते 100 रुपए के नोट सन। फिर वेले दे नाल नाल 2, 20, 50, 500, 1000 ते 5000 रुपए के नोट जारी किए गए। इन्हां नोटों के रंग, डिजाइन ते साइज वेले दे नाल नाल बदलते रहे। नोटों विच ए तब्दीलियां वधदी हुई महंगाई ते घटदी हुई रुपए की वैल्यू नाल हुंदी है।